सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मेरा हुलिया देखो, अभी जस्ट नींद से उठा हूँ और 3 से 4 मेरे दोस्त आए हुए हैं पवई से, और मुझे नींद से उठा के अभी लेके जा रहे कहीं पे, मालूम नहीं। बारिश जो है अभी चालू है थोड़ी बहुत, अभी देखते हैं। बिल्डिंग के नीचे आए हैं, इतना फ़ोन किए फ़ोन नहीं उठाए, तो सीधा घर पर आ गए। आपको दिखाता हूँ उन लोग को मैं, कौन है वो लोग आप जानते भी रहोगे उनको। तो ये देखो, ये है उन लोग। दिखा तो अंदर जो अपने भाई बेटा है वो भी ब्लॉगर है, सुशांत। तो ये देख सकते हो, ये गेंडा लेके आए हैं, ब्लैक आला वाला। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पप्पा पप्पा ले काय का बोल ले। तो जो है ये वाला अपना गाड़ी है, इसमें बैठ के मालूम नहीं अभी किधर जाने का। विदाउट आंघोळी चाललेलो आहे माहित नाही घर, मम्मी बोलली कुठे चाललं तुम्हाला, तुला काय वाटलं आम्हाला, आम्ही येऊ की ना येऊ मला माहीतच नाही। मी एकदम म्हणजे बोलतात ना पद्धतशीर वाला झोपले। तो गाइस, अभी जो हम लोग निकल चुके हैं आगे, मालूम नहीं किधर जाने का। बारिश जो एकदम हेवी वाला चालू है। हम लोग तो शायद से खोपोली वगैरह, लोनावला वगैरह वो साइड जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि भाई ने लिया है टावेल बिवेल तो नहाने भी नहीं कहा, इसीलिए भाई बोला ना मत किधर। तो गाइस, अभी हम लोग जस्ट गाड़ी लगाए और नाश्ता करने के लिए आए, पनवेल फेमस वड़ा पाव। सो देख सकते हैं अपन सब यहाँ पे खाने के लिए रुके, नाश्ता करने रुके, वड़ा पाव खा रहे हैं। हेमंत जो है पूरे के पूरे 4 से 5 वड़ा पाव खा चुका है, और पाटिल जो है खाना तो चाहता है लेकिन खा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे गाड़ी चलानी है। तो गाड़ी चलाने वाले थोड़े ज़्यादा कमी खाते हैं, मतलब थोड़े पूरे ज़्यादा कमी खाते होता है थोड़ा, मतलब ऐसा। तो भाई, जब भी जो हम लोग पूरा नाश्ता वगैरह करके यहाँ से निकल चुके हैं, तो बैठेंगे अभी गेंडे में। भाई यहाँ का नज़ारा, अब अगर बात करूँ नज़ारे की, क्या ही नज़ारा है ये, क्या होता है। एसी बंद कर दिया है, और जो हवा का जो फील है ना भाई, देखो फील ले रहे। तो भाई देखो अपने भाई, भाई का इंस्टाग्राम पे डाला था 12,000 के ऊपर व्यूज के लिए चकली पाव वाला। तो भाई रास्ता इतना सही है ना, लाइफ में अगर कुछ भी टेंशन रहे तो निकालो अपनी गाड़ी, नहीं रहेगी तो दोस्तों की निकालो, लेकिन जाओ किधर तो पहाड़ों बिहाड़ों में। ये देखो, तो भाई लाइफ में अगर कभी भी कुछ भी रहेगा शॉर्ट, तो बिंदास निकलो, गाड़ी निकालो और निकलो बाहर। कुछ भी डिस्टर्ब वगैरह रहोगे बस बाहर निकलो, एक बार आ जाओगे ना ओपन प्लेस में, कुछ ऐसा नेचुरल इसमें, तो बहुत सही लगेगा। अभी भाई लोग तो मेरे को नींद से उठा के लाए ले, उसके लिए भाई लोग को थैंक यू है। तो ये देखो, नीचे देख सकते हो पूरा खोपोली है, और ये वाटरफॉल देख लो, ये जो दिख रहा है आपको ये जेनिथ वाला वाटरफॉल है। हम लोग आने वाले हैं ये मंथ के एंडिंग में वहाँ पर, तो अपन वहाँ का भी जो है ब्लॉग बनाएंगे जल्द से जल्द में। अभी फिलहाल तो है हम लोग जा रहे हैं एकवीरा, तो वहाँ पे एकवीरा इच दर्शन घेऊन अपन परत कुछ देर जाऊँ, लेकिन पूरे रास्ते में जो अपने साथ बने रहो।
जो है ये जो भगवान है इन्होंने दिखाया था, हम लोग वही भगवान के मंदिर में जाके जो है एक बार नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि रोड जो है उनके वजह से बना हुआ था। तो ये देखो ये भगवान है, तो गाइस अब भी जो अपनी गाड़ी भाई अपना चला रहे हैं, ये भाई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, थोड़ा देखते हैं कुछ शॉट क्या है। अभी थोड़ा गाड़ी जो है पार्किंग का सीन चालू है, तो गाड़ी एक बार पार्क हो गया तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, अपन जाते रहेंगे आगे। तो सामान जो है पूरा अपन ने रख दिया है गाड़ी में, चप्पल उप्पल भी अभी निकाल देंगे अंदर। तो कैसा है, चप्पल निकालना ही पड़ेगा और अभी इतने टाइम के बाद आए हैं तो वो भी अपन निकाल ही देंगे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आया हूँ मैं। तो गाइस अभी हम लोग कर चुके हैं अंदर एंट्री, गाइस अभी जो हम लोग आ गए अंदर दर्शन के लिए। अरे निकल निकल, तो भाई अभी जो है हम लोग का देवी का दर्शन जो है हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापिस पार्किंग के, तो पार्किंग में जाके देखते हैं आगे क्या सीन है। तो पाटिल है अपने सोबत, तो पाटिल नहीं भाई मेरे को है ना नींद से उठा है, पाटिल के वजह से आज घाई घाई में एक्विरा का दर्शन हुआ है। तो स्पेशल थैंक्स टू पाटिल, पाटिल भाई थैंक यू। दादा भाऊ अपना गाड़ी जी हवा चेक करते है, हजला काय समझ समझते थे माहित नहीं। तो गाइस अभी जो हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे चालू अपने गाड़ी को हार लगाना। गाइस अभी जो है गाड़ी अपनी पूरी तरीके से सज चुकी है, देवी को जो हार दिखा के आए थे पैर में, अपन हार जो है गाड़ी पे लगा दिया है। गाइस अभी जो है हम लोग एकविरा का दर्शन करके नीचे आए और यहाँ पे रुके हैं सनसेट पॉइंट के यहाँ पर। तो ये देखो गाइस और ये अपना पाटिल भाई शाहरुख खान वाली पोज देते हुए, शाहरुख खान। तो वो वाटरफॉल बग तो वाला बा, हा वाला बग दिसत नाही बा, आबा याच्यात बग कुठे दिसत, अरे एक नंबर भाऊ, फुल झूम काय बाजून घे ना अजून जोरा जोर। एक नंबर लाला, तुमची तोंड तू जा ना पुढे। तो गाइस हम लोग जो हमेशा की तरह यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे आए हुए हैं, तो यहाँ का व्यू जो है ना एक्चुअल में मुझे बहुत सही लगता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो पीछे जो है पूरा फॉग है, यहाँ पे एक डोंगर है, डोंगर में तो नहीं जाने वाले हम लोग, जाने वाले इधर हिल बिल नहीं भाई, डोंगर ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे जैसे हम लोग अंडर एंट्री करते हैं यहाँ पे एक ब्रिज मिलेगा एक्चुअली, यहाँ पे सब नीचे सब घर वगैरह है तो उनमें ही एक जन ने है ये डेवलप किया हुआ प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े है, ये सर देख सकते हो पूरा डोंगर। तो यहाँ आपने जो है मेरा सेकंड ब्लॉग या थर्ड ब्लॉग में आपने देखा रहेगा कि ये वाला जो है अपन प्लेस जो है ये एक्सप्लोर किया हुआ था ऑलरेडी, तो उसका भी लिंक जो है ना मैं दे दूंगा मेरे
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट यहाँ का औसम है और प्राइस भी बहुत कम है। यहाँ का एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ का पूरा व्यू है, तो अभी देखो पूरा फॉग ही फॉग है, पूरा फॉग है। रोड जो अपने को दिख रहा था अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो गाइस हम लोग ने यहाँ पर बैठ के जो है कॉफ़ी, चाय, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब कुछ जो यहाँ पे बैठ के हम लोग ने ट्राई किया। और अभी जो हम लोग यहाँ से निकलने वाले गाइस, अभी जो हम लोग लोनावला से नीचे उतर रहे थे और ये पूरा जाम लगा हुआ है और ये अपनी काली यहाँ पर फंसी हुई अपनी गाड़ी जो है ट्रैफिक में। हम लोग कम से कम एक डेढ़ घंटे के ऊपर हम लोग यहीं पर है। तो अपने ये दो भाई जो है यहाँ पे घूम रहे हैं, मस्त मज़ा देखो इन लोग का, मचा रहे इन लोग ही। वैसे हम लोग ने कैसे अंदर से दरवाजा कर लिया है लॉक, तो इसीलिए इन लोग आ नहीं पा रहे, तो इसीलिए जो है अभी हरकत कर रहे हैं अभी। सो गाइस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे वाटरफॉल जो आता है खोपोली में आता है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं एक थोड़ा सा खडबुडीत रस्ता असं म्हणू शकता तुम्ही त्याला। तर आम्ही चाललोय त्या रस्त्याने, तो वहां से जाते वक्त आपको एक बार दिखा देता हूँ। अपना जो गाड़ी है वहां पर है, तो हम लोग यहाँ से पार्क किए। पूरे रास्ता देखो बहुत बेकार है और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे। तो हम लोग यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जो है जेनिथ का है, तो वो रास्ता जो है पूरा बंद है। तो अभी मालूम नहीं हम लोग कौन से वाले जाएंगे। अपना भाई है साथ में रमाकांत, आपने देखा रहेगा भाई को अपने ब्लॉग में, पुराने वाले ब्लॉग में जो अपने को पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको उन्होंने जो है भाई को देखा रहेगा। अभी हम लोग जाने वाले आगे वाले रोड से ही, यहाँ से चलते चलते देखते आगे वाला सीन क्या होगा और कैसे होगा। अभी जो अपन जा रहे हैं रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने साथ जो है कैसे कैसे तो जा रहे, अभी देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं जा रहे, क्योंकि क्या है ना नीचे भी देखना पड़ रहा है। अगर कैमरे में देखते रहूँगा तो गिर जाऊँगा और इसका और एक ब्लॉग आएगा डैम का या फिर वाटरफॉल का, वो और एक आने वाला है, क्योंकि अपन जो अपने बहन लोग के साथ भी आने वाले तो वो भी आएंगे और भाई अपना रहेगा जो अपने को रास्ता बताएंगे, तो भाई के साथ जो है अपन जाएंगे। तो अभी जाएंगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आगे आगे चलते चलते, देखते क्या सीन है क्या नहीं। सिर्फ अपने को ऐसा है कि अपने को रास्ता बनाना पड़ता है, यहाँ पे बना हुआ कुछ नहीं मिलता। तो वीडियो एंड तक देखना, अगर शायद हो सकता है तो ये जो है अलग से भी डाल सकता हूँ। रास्ता देख लो कैसा कैसा चलना पड़ता है, तो ये देखो। चलो आगे आ जाओ आगे आ जाओ। ये अपना एक ब्लॉगर, मराठी ब्लॉगर, नमस्कार मित्रांनो, शाउट आउट चॅनल वरती नवीन असा तो सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि चॅनल ची लिंक तुम्हाला हवी असेल त्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटेल। तो सुना वन शॉट दीवाना बना दे, ये देखो। तो चलते रहेंगे और चमकते रहेंगे, सिर्फ गिरे ना इसका सोच के चलेंगे आगे। तो गाइस अभी जो हम लोग थोड़ा अंदर जाने का देखेंगे, हम लोग एकदम ऊपर से नहीं जाएंगे उसका है ना, हम लोग ऊपर जाने के लिए एक अलग दिन आएंगे, जो भाई को मैंने बोल के रखा हूँ क्या अलग से एक दिन बना के आएंगे जिसमें हम लोग एकदम ऊपर के साइड जाएंगे। तो भाई लोग इधर पीछे चालू है सब, तो हम लोग देख रहे थोड़ा आगे जाने के लिए, थोड़ा सा उतर के आगे तक जाएंगे, वहाँ तक चले जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाले क्योंकि वैसे भी अंधेरा होने आया, तो हम लोग देखेंगे क्या जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट टाइम में, अगर यहाँ पर आना है वाटरफॉल में तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हम लोग आने का देखेंगे। अब बीच में थोड़ा सा अपन अंदर चले जाएंगे, तो कैसा अंदर से चूट लेने में काफ़ी मज़ा है, ये देख सकते हो पीछे कैसा वाला माहौल है। तो देखो अभी हम लोग जाने वाले यहाँ से ही ऊपर, थोड़ा सा पत्थर बिस्तर है तो देखते जाएंगे। Thank you.
तो गाइस अभी जो है हम लोग फुल ऑन मजा कर रहे हैं और यहाँ पर जो है भाई देख सकते हो ध्यान में लगे हुए हैं, ध्यान फुल ऑन ध्यान। क्या हो गया? आता तो का ऐकत ना है, आता हे म्या काय ऐकत ना है। तो अभी जो है गाइस हम लोग बहुत ही नीचे है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो है एक दिन जल्दी आने वाले हैं, अपने साथ दो तीन नए लोग रहेंगे, उन लोगों को लेके जो अपन जाने वाले हैं एकदम ऊपर जो मंदिर वाला है वहाँ पर, लेकिन वीक डेज में आएंगे, वीकेंड में नहीं आएंगे। तो ब्लॉग जो है आप जो है पूरी तरीके से देख लेना, स्किप मत करना, और ऐसे जो आप सपोर्ट कर रहे हैं ये सपोर्ट जो है कंटिन्यूसली सब बना के रखो, और जितने भी नए नए ब्लॉग है अलग अलग टाइप के वो आपको देखने मिलते रहेंगे। तो आप जो भी रहेगा चैनल पे नए न्यू रहोगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो गाइस अभी जो है हम लोग निकलने वाले हैं घर की तरफ। अपना ये जो है ये आज का ये जो ब्लॉग में था ये इतना ही था। हम लोग जो है कारला गए, एकवीरा देवी का दर्शन किया, उसके बाद कोपुली आए, कोपुली में ये छोटा सा वाटरफॉल इंजॉय किया। अगला ब्लॉग भी जो अपना होने वाला वाटरफॉल का ही होने वाला है। तो हम लोग जो है वाटरफॉल जो है आने वाले है अगले ही ब्लॉग में, उससे पहले और एक ब्लॉग आएगा जो गाड़ी का अपना काम किया है वो दिखाऊँगा। उसके बाद जो है कोपुली का ही ब्लॉग रहेगा वाटरफॉल का, लेकिन वो पूरा डिटेल में रहेगा। और हम लोग ट्रेन से आएंगे तो कम से कम खर्चे में यहाँ तक कैसे आए वो भी आपको बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने साथ ऐसे ही बने रहो, और अगर जो भी अपना नया ब्लॉग आएगा उसको सपोर्ट करो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी जो अपन मिलेंगे सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।